सब कुछ शांत, हर तरफ शांति, ठप, बहुत सारी चीजें जिसमें अब जाकर के ढील दी जा रही है, लेकिन आपराधिक मानसिकता वाले लोग, अपराधी या फिर अपराध, कहीं ना कहीं प्रयागराज में बीते कुछ दिनों से जो खबरें आई हैं उसे अपराध का शहर बनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि दो ऐसी घटनाएं जिसने धर्म नगरी, संगम नगरी प्रयागराज को हिला करके रख दिया। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी इन दिनों सुर्खियों में है, वजह है दिल दहलाने वाली अपराध की दो बड़ी घटनाएं, जहां एक और दो दिन पहले एक बेटे ने अपने माँ बाप का कत्ल करा दिया, तो वहीं धरवाई थाना के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में जवान ने पत्नी और दो बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सीआरपीएफ के जवान ने खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वजह तो भी बहुत स्पष्ट नहीं है। विनोद यादव आरक्षी चालक हैं सीआरपीएफ के यहाँ के, और उनके द्वारा अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने पूरे परिवार को मार दिया गया है और स्वयं भी आत्महत्या कर ली गई है। कई गोलियों के खोखे वहाँ मिले हैं और कई इंजरीज दिखाई दे रही हैं, फायर इंजरीज जैसी लग रही हैं। पोस्टमार्टम के बाद, सारी चोटों के आने के बाद और पूरी जाँच के बाद घटना के बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर संगम नगरी में दो दिन पहले पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यहां एक बेटे ने ही अवैध संबंधों का विरोध करने पर अपने माँ बाप, बहन और पत्नी की हत्या कर दी। परिवार के बेटे ने अपने परिजनों की हत्या के लिए 8 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने जब हत्या का खुलासा किया तो सभी हैरान रह गए। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धूमनगंज में हुई 8 हत्याओं का खुलासा किया गया, जिसमें जो बेटा जिसने एफआईआर लिखाई थी, आतिश केशरवानी, वही इसका मास्टरमाइंड निकला। उसके द्वारा हायर्ड असैसिन्स को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अनु श्रीवास्तव, बच्चा श्रीवास्तव व एक अन्य व्यक्ति का इसमें इस्तेमाल किया गया। उन्होंने चाकू लिया, वहीं दुकान से खरीदा था, और इनके आतिश के सहयोग से घर में एंट्री ली और उसके बाद बारी बारी से इनकी हत्या कर दी। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ने में अपना सब कुछ झोंक दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपराध के बढ़ते ग्राफ ने पुलिस और प्रशासन को और भी परेशान कर दिया है। प्रयागराज से मनीष पालीवाल, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।